समाजसेवी संस्थाओं ने लिया टीबी संक्रमण से ग्रसित बच्चों को गोद और बांटा पौष्टिक आहार। सोमवार को रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर, मिड टाउन व लॉयंस क्लब मुजफ्फरनगर, उन्नति, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला इकाई, सिल्वर टॉन पेपर और सालासर बालाजी समिति द्वारा कोविड 19 की इस विषम परिस्थितियों में टीबी से ग्रसित 18 वर्ष तक के बच्चों को गोद लिए जाने एवं पुष्ट आहार वितरण का दूसरा कार्यक्रम जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। रोटरी व लॉयंस, उन्नति, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, सिल्वरटन और सालासर बालाजी समिति के सौजन्य से 75 बच्चों के लिए 6 महीने का राशन दूसरी बार वितरित किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव रहे और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रवीण चोपड़ा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व डॉक्टर लोकेश चंद्र गुप्ता, जिला क्षय रोग अधिकारी रहे। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन सुनील अग्रवाल व श्रवण गर्ग व लॉयंस रीना अग्रवाल रहे। वरिष्ठ सुनील अग्रवाल व लॉयंस रीना अग्रवाल ने बताया कि क्लब आगे भी टीबी से ग्रसित बच्चों के लिए पुष्ट आहार पहुंचाने का कार्य करता रहेगा। क्लब अध्यक्ष रो हर्षपुरी ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर, मिड टाउन, लॉयंस, उन्नति व सालासर बालाजी समिति समाज के क्षेत्र में ऐसे कार्य मिलकर करते रहेंगे। जब बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाएगा, उनके चेहरे पर खुशी का माहौल था, यह देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में लॉयंस अध्यक्ष अमित गर्ग, लॉयंस सचिव डॉक्टर विवेश लॉयंस, सीए अजय अग्रवाल आदि का सहयोग रहा। क्लब सचिव प्रगति कुमार ने आने वाले सभी रोटेरियन राज्यपाल पिछले साल जो आई थी आनंदी बाई पटेल, उन्होंने आह्वान किया था समाज के श्रोताओं से कि जो टीबी के ग्रस्त बच्चे हैं उनको हमें राशन वितरण करना है। उसी श्रृंखला में पहले भी हम कर चुके हैं, 6 नवंबर को आज दूसरी बार महीने में उन्हें राशन वितरण किया जा रहा है। आज 94 बच्चों को हम राशन वितरण कर रहे हैं, इसमें रोटरी क्लब, लायंस क्लब, उन्नति और अग्रवाल महिला सम्मेलन और सिल्वर टोन पेपर मिल लो सारा से बालाजी समिति का सहयोग रहा है। हम आगे भी जैसे भी छह मतलब हमें दिशा निर्देश या टीबी अधिकारी जी हमारे लोकेश गुप्ता जी देते रहेंगे, हम बच्चों को राशन वितरण करते रहेंगे। सभा के सेवा में हमेशा हम अग्नि लगे, हम मिलजुल कर इन बच्चों को राशन वितरण करते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी सहयोग दे रही है, 500 रुपये महीना भी दे दिया, उसके अलावा बच्चों को जो है उनका इलाज भी प्रॉपर तरीके किया जा रहा है। हाँ, समाज से संस्थाएँ हमेशा समाज के क्षेत्र में अग्नि रही, आगे भी अग्नि रहेंगे। ऐसे बच्चों को पौष्टिक आहार आज दिया गया और आगे भी देते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं बीच में माननीय राज्यपाल जी ने आह्वान किया था कि स्वयंसेवी संस्थाएँ हर राज्य में, हर जिले में आगे आएँ और हर जिले में उपलब्ध जितने भी टीवी के लोग बच्चे हैं, जितने के 18 वर्ष से कम के हो और जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, उनको राशन की व्यवस्था या किसी भी कुछ तरह से खाने की व्यवस्था जो है, जिससे कि उनका भर पोषण हो। उससे पोषण का और टीबी क्लोसिस का बड़ा गहरा संबंध है, तो उनको पोषण से होने वाले नुकसान के और टीबी में जो उनका इलाज हो रहा है उसमें उनकी सहायता मिले, इसी संदर्भ में हमने जो हमारे जिला क्षय अधिकारी उन्होंने प्रयास किया और कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएँ, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब और जो पेपर मिल हैं, इन सबसे सहयोग की बात करी और आज इन्होंने करीब 94 बच्चे ऐसे अपने जिम्मे पर लिए हैं जिनको ये हर महीने राशन उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि इनके इलाज में और ये सारी व्यवस्था निःशुल्क होगी और ये स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आज इसी के बारे में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि जिला अधिकारी महोदय और जिला विकास अधिकारी महोदय के कर कमरों से इसको हमने शुरू करवाया है। ये करीब 94 बच्चे को आज राशन देंगे और इन्होंने आश्वासन दिया कि आगे भी इस तरह के अगर कोई बच्चे आते हैं जिनको कि इकोनॉमिकली वीक और ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त है, तो उसमें भी यथासंभव अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर भाई, बिल्कुल।